अल्लाह तबारक व ताला जल्ले शानहू ने अजब इत्तेफाक फरमाया कि आज जुमे के वक्त में आपकी मेरी मुलाकात करा दी। अल्हम्दुलिल्लाह 28 बरस गुजर गए मुल्तान में जुमा पाबंदी से पढ़ाता हूं। तबलीग का एक हलका है, एक जरिया है। जलसे की कोई गरज ना थी और कोई प्रोग्राम ना था। मैं अपनी मस्जिद के काम के लिए कई दिन से यहां आया हुआ हूं। अब आप जानते हैं कि खतीब को और मौलवी को यूं कौन खिलाता रहता है जब तक उससे थोड़ा बहुत काम ना ले। और मैं तो वैसे भी कहा करता हूं कि हर मौलवी से, हर खतीब से हर वक्त काम लिया करो, इन्हें खाली ना छोड़ा करो, नहीं तो शरारत करेंगे। तो हाफिज मोहम्मद इब्राहिम और भाई अब्दुल सलाम ने प्रोग्राम बनाया कि जुमे पे तू वैसे भी रह गया, यहां पर कुछ बयान हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला मेरी और आप सब की आखिरत को बेहतर बनाए और हम सब को दो जहान की सआदत नसीब फरमाए। मैं जैसा कि आप मेरी तबीयत से वाकिफ हैं, उम्र गुजर गई कराची आते जाते, किसी को गाली देने की आदत नहीं। मैं उस मिजाज को, उस मसलक को नहीं मानता कि नाम इश्क रसूल का हो और गालियां दी जाएं। और मैं उस तौहीद को भी नहीं मानता जिस तौहीद के नाम पर दूसरों को बुरा कहा जाए या नकलें की जाएं। उलमा को दीन का काम करना चाहिए, एक्टरों वाला काम नहीं करना चाहिए। खुदावंद आलम ने उलमा को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के दीन का वारिस बनाया। तो हम सब का फर्ज मनसबी है कि हम दीनी काम को सर अंजाम दें और दुनिया के काम करने वाले लोग तो खुद ब खुद बतेरे। ये फिक्र आदमी को दामनगीर हो जाए कि मैंने एक दिन मर जाना है, ये मकान मेरा नहीं, ये दुकान मेरी नहीं, ये कारखाना मेरा नहीं, ये जायदाद मेरी नहीं, ये हुकूमत मेरी नहीं, ये किसी और का माल है। जब ये बात जहन नशीन हो जाएगी तो फिर सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। और किसी मामले को बाजी तक ना पहुंचाओ कि बाजी हमने हारने नहीं देनी, चाहे झूठ बोलना पड़े, गलत कारियां करनी पड़े, ये बात गलत है। इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, ओ लोगो उस वक्त से पनाह मांगो जब रात दिन में 100 मरतबा आदमी झूठ बोलने से भी नहीं सैर होगा। इरशाद फरमाया मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों उस वक्त से पना मांगो, उस वक्त में संभल के अपनी जिंदगी को बसर करना जबकि दीनदार लोगों के अंदर से भी शरारत की बातें निकलेंगी। इरशाद फरमाया मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों उस वक्त का ख्याल करना, उस वक्त से अपने आप को बचा के रखना जब लोग कुरान मजीद को जरिया महाश बना लेंगे। सहाबा इकराम की जमात गुजर रही है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी साथ साथ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा इकराम ने चंद जानवरों को देखा जिनके परों पे कुरानी आयात लिखी हुई है और वो गंदगी गिलाजत खाए चले जा रहे हैं। सहाबा इकराम लरस गए, कांप गए और अरज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, कुरान
کریم کی بے ادبی ہو گئی، بے عزتی ہو گئی، توہین ہو گئی۔ پروں پہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے اور کام دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو ایک وقت ایسا آئے گا، سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، قرآن کریم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور تمہیں کر کے دکھلا رہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حلق مبارک پہ انگلی رکھ کے فرمایا، او لوگو ایک وقت آئے گا لوگ قرآن کریم پڑھیں گے، مگر آپ نے یوں انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے الفاظ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ آج کیا بن رہا ہے؟ اصل تو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ویسے ہی اٹھ گئے، کچھ کام کے لوگ تھے وہ رخصت ہو گئے، جو نام کے ہیں وہ رہ گئے۔ صحابہ کرام میں سے اگر آج ایک صحابی بھی زندہ ہوتا تو ہم سب کو پوچھ لیتا کہ خدا کے دین کا کس طرح مذاق اڑایا کرتے ہیں، لین کے بغیر پہیا چلے گا کیسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ لین سے اتر بھی جائے اور چلتے رہے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ توحید ہمارے پاس نہ رہی، سیرت ہمارے پلے نہ رہی، صورت ہماری نہ بن سکی تو باپ کیسے بنے؟ جگہ جگہ شرک کے اڈے، جگہ جگہ بدعات کے کانٹے، یعنی اللہ کا قرآن جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس چیز کو مٹانے کے لیے آئی تھی، آج مسلمانوں کے ہاتھوں وہی اجاگر ہو رہی ہے اور وہ اس کو چڑھا رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ربیع الاول میں کہ یمن کے بادشاہ ابراہ نے بیت اللہ بنایا تو سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کافر ہو گیا، کعبے کے مقابلے میں اس نے کعبہ کیوں بنایا؟ اس زمانے کے لوگوں نے برا مانا، احساس کیا کہ اللہ کا گھر ایک ہو سکتا ہے؟ خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا کا گھر بھی ایک ہے، کئی جگہ نہیں ہو سکتا، اور طواف دوسری جگہ کا نہیں ہو سکتا۔ تو سارے جہان کے لوگوں نے برا منایا کہ اس نے کفر کیا کہ کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنا لیا، اور ہمیں الحمدللہ چھٹی ہے، ہم ہر روز بنائیں، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ میرے دوست، عشق کے اظہار کا یہ راستہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں سے جا کے پوچھو، حضور کے پروانوں سے جا کے پوچھو، جنہوں نے کلمے کے بدلے میں سب کچھ ختم کر دیا تھا، ساری زندگی کے آرام کو تج دیا، عیش کو چھوڑ دیا، تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے پوری کائنات انسانی تک خدا کا دین پہنچایا، اور اس سلسلے میں جو دکھ اٹھانے پڑے اس سے گریز نہ کیا۔ تو اس مختصر سے وقت میں میں آپ کو صرف ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں، ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، ایک سبق پکوانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمارے اندر زیادہ ہے، اور ہمارے کچھ دوست دوسرے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے عشق کا اظہار اطاعت سے ہوگا، فرما برداری سے ہوگا، غلامی سے ہوگا، اقتدا سے ہوگا، حضور کی دین پر مر مٹنے سے ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں، فرما برداری کی کوئی حاجت نہیں، غلامی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ صرف نعرے چار لگا دو بات ختم۔
ये फर्क है मेरे मिशन में और बाकी लोगों के मिशन में। हम कहते हैं कि हुजूर की मोहब्बत का इजहार हुजूर की सुन्नतों से होगा। आकाए-ए-आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क का इजहार हुजूर के तरीके कार से होगा। और कुछ लोग कहते नहीं, बल्कि सुबह से शाम तक दो चार नारे लगा दो और दो चार कव्वालियां सुन लो, बस इश्क मुकम्मल हो गया। आओ जरा कुरान मजीद से पूछे कि आखिर हमारी रहनुमाई के लिए कुरान करीम आया, ये हमें बतलाए कि इश्क का इजहार किस सूरत में होना चाहिए। जब सारे मसले कुरान करीम बताता है, नमाज के मसले, रोजे के मसले, जकात के मसले, हज के मसले, ईद और कुर्बानियों के मसले बताता है, तो क्या इश्क का मसला कुरान करीम नहीं बताता? अल्लाह पाक जल्ले शानू ने एक जगह पर फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इताअत, गुलामी अदब से शुरू होगी, एहतराम से शुरू होगी, अजमत से इब्तदा होगी। बेअदबी करने वाला सारी उम्र इश्क में मरता रहे, कुछ भी नहीं बनेगा। फरमाया तुम्हारी सूरत तो दरकिनार रही, सीरत तो दरकिनार रही, तरीके कार तो दरकिनार रहा। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मेरे महबूब की आवाज के मुकाबले में तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। मेरा काली कमली वाला कलाम फरमाए, गुफ्तगू फरमाए, तुम्हारी आवाज उससे बुलंद न हो। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज से ऊंचा अपनी आवाज को ना करो। फरमाया अगर ऐसा करोगे अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, तुम्हारे सारे नेक आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें पता भी ना चलेगा। अंतहबता आमालुकुम वअंतुम ला तशुरून। अल्लाह पाक ने कैसी धमकी दी, फरमाया जो तूने नेकियां समझ कर कमा रखी है, आखरत का जखीरा जमा कर रखा है, उस जखीरे को आग लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खसारा ही खसारा बना दूंगा। वल तुम ला तशुरू, तुम्हें पता भी ना चल सकेगा। पता चला कि इश्क की इब्तदा अदब से होती है, और अदब वो है जो कुरान करीम बतलाए या खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया। चुनाचे बाद सहाबा ऐसे थे उनकी आवाज अल्लाह पाक की कुदरत से ऊंची थी, बिल्कुल उस दिन के बाद आहिस्ता बोला करते थे कि हमारा आमाल हमारे बर्बाद ना हो जाए। और इसी सूरत में कुरान करीम ने आगे चल करके फरमाया इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, मेरे न
नबी को इस तरह से ना बुलाओ जैसे तुम भाई को बुलाते हो, भतीजे को बुलाते हो, भांजे को बुलाते हो, बेटों को बुलाते हो, बिरादरी खानदान को बुलाते हो, आपस में जिस तरीके से तुम आवाजें लगाते हो, मेरे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना पड़े, आवाज देनी पड़े, खबरदार इस तरह से अगर आवाज दी अल्लाह पाक जल्ले शानहु तरीके कार बतला रहे हैं कि अदब का मकाम ये है कि तुम आवाज को ऊंचा ना करो और जब बुलाओ मेरे नबी को तो इस तरह से नहीं बुलाना। हम आपस में नाम लेकर बुलाते हैं, ए फुलाने, फरमा इस तरह से नहीं, बल्कि उन अल्फाज से भी मना फरमाया जो बेअदबी के साथ साथ सिर्फ थोड़ा सा इशारा करते थे। साफ बेअदबी तो अलग रही, जो मुहिमे बेअदबी के अल्फाज थे, जो मामूली अदब यानी अल्फाज में शामिल हो जाते थे, उनसे भी मना फरमाया। फरमाया ला तकूनो राईना, अब राई कहते हैं सरदार को भी और राई कहते हैं बकरियों के चराने वाले को भी, तो अल्लाह पाक ने उस लफ्ज से मना कर दिया जिस लफ्ज को तुम मेरे नबी के साथ बुलाओ और पुकारो और उसमें किसी गैर आदमी का थोड़ा सा शेबा निकलता हो, तो गोया बेअदबी से मना फरमाया अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने। फरमाया अगर कोई इस तरीके से बुलाएगा या मोहम्मद यूं कहकर बुलाएगा तो फरमाया आके थारूहुम लाया किलून, बेवकूफ लोगों का काम है, बेअकल लोगों का काम है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह से बुलाना। तो ये जब थोड़ी सी बात आप हजरात की समझ में आ गई कि अदब बहुत बड़ी चीज है और अदब से ही इब्तदा इश्क की होती है और इताअत की इब्तदा अदब से, गुलामी की इब्तदा अदब से। अब जनाब यूं ही लश्कर लेकर चलते मैं और आप, गुलाम है गुलाम है, रसूल के गुलाम है गुलाम है गुलाम है, और मुंह देखो तो वो बिल्कुल यहूदियों वाला, शक्ल देखो तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे अमेरिका के सदर का भतीजा हो। तो गुलामी कहां है, इसका नाम गुलामी किसने बतलाया? सूरत गुलामों वाली नहीं, सीरत गुलामों वाली नहीं, कारोबार गुलामों वाला नहीं, लेन देन गुलामों वाला नहीं, शादी ब्याह गुलामों वाली, और गुलाम का एक है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का एक लश्कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए रवाना किया। आज जिहाद के लिए तो मुसलमान तैयारी नहीं रहा, जाहदू जाहदू कुरान करीम में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि शायद इसका मतलब ये हो कि ज्यादा रोटी खाया करो। कराची वालों की समझ में शायद जाहदू के मायने ये आए हैं कि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक मैं चाय के कप चलाते रहो। जाहदू, जिहाद करो अल्लाह की राह में, कुफर को मिटाओ, शिरक को मिटाओ, बिदात को उखाड़ के रख दो और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तौहीद को, कुरान करीम की लाई हुई तौहीद के झंडे बुलंद कर दो। यह है जिहाद का मफहूम और मतलब। आज आपस में जिहाद है और काफिर के सामने झुक रहे हैं, शिरक के सामने सलाम करते हैं, बिदात के सामने झुकते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का लश्कर है, खुदा की कसम वो लश्कर कितना खुश नसीब होगा जिसके कमांडर मोहम्मद मुस्तफा हो। रुख्सत करने वाले सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो आपने यूं फरमाया कि पहले झंडा जाफिर तैयार के हाथ में देना और फिर झंडा अब्दुल्ला इब्ने रवाह के हाथ में देना और फिर झंडा उसामा बिन जैद के हाथ में देना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। अब आप ख्याल फरमाएं,
सहाबा किराम से ज्यादा हुजूर की मंशा और मुराद को कौन समझ सकता है। खुदा की कसम, जिन आंखों ने हुजूर का लाखों मरतबा दीदार किया और जो हुजूर को देखे बगैर जिया नहीं करते थे, वो हुजूर की मुराद को नहीं समझते। तो आका के फरमान को सहाबा किराम समझ गए कि जाफिर तैयार शहीद होंगे, इसीलिए तो झंडे के बारे में फरमाया तो फिर अब्दुल्लाह इब्ने रवा को देना। और अब्दुल्लाह इब्ने रवा के बारे में भी सारे सहाबा किराम समझ गए कि ये भी शहीद होंगे। तीसरे का नाम जो ले दिया कि उसामा बिन जैद को झंडा देना, और उसके बाद फरमाया बस रुखसती कर दी। तमाम सहाबा किराम समझ गए कि जाफिर तैयार भी शहीद होंगे और अब्दुल्लाह बिन रवा भी शहीद होंगे, बचेंगे नहीं। क्यों? हुजूर का गुलाम हो झंडा गिरा दे, जिंदा झंडा गिरा दे नामुमकिन है। निगाह नबुव्वत ने इनको ऐसा रंग दिया था, इनको इतना पुख्ता बना दिया था कि कैसर व किसरा की तख्तो ताज से टकराकर सहाबा इकराम ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई तौहीद को, कुरान की पेश करदा तौहीद को पूरी दुनिया में फैला दिया और सिर को कुफर के ऐवानों को तोड़ के रख दिया था। डरना वरना ये लोग नहीं जानते थे। तारीख शाहिद है, 6 लाख के मुकाबले में 6 गए, 6 लाख के मुकाबले में सहाबा 6 गए और कामयाब होके आए। 6 लाख के मुकाबले में 6 गए और स्पेन के पूरे मुल्क के मुकाबले में 3 गए, कामयाब होकर आए। तुम डूब के मर जाओ मुसलमान कहलाते हुए, करोड़ों और अरबों की तादाद में इस जमीन को रगड़ते फिरते हो और जलील होकर मर रहे हो, जलील होकर मर रहे हो, अंदाजा तो लगाओ। अमल बर्बाद, किरदार बर्बाद, सीरत और सूरत बर्बाद, आमाल सारे बर्बाद हो गए, कोई चीज भी हमारी सीधी ना रही। सहाबा किराम और झंडा जिंदा होते हुए गिरा दे। तुम्हें 36 बरस हो गए यहां गोश्त खाते खाते, नारा तो यह लगा था कि चंद दिनों के बाद कश्मीर भी दिल्ली भी सारा फतह हो जाएगा, तुम तो खुद ही फतह होने को हो रहे हो। ये सूरत फतह करेंगी दिल्ली, ये शक्लें कश्मीर को फतह करेंगी, जिनके दिलों में मनोगंध भरा हुआ है, जिनके कलम स्याह है, जिनके आमाल स्याह है, जिनकी सूरत और सीरत तमाम की तमाम स्याह हो गई, ये दुनिया में दीन फैलाएंगे, कुफर को ये मिटाएंगे। इंतजार करो यहूदियों के हाथों मरने का, इंतजार करो। खुदा की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान मेरे दीन से एराज करेगा, कुरान को ठुकराएगा, फिर यहूद काफिर के हाथों मुसलमान की बेटी की आबरू लुटेगी। पूरी दुनिया में आप देखे बन क्या रहा है। अब्दुल्लाह बिन रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझ आ गई, मेरा आखिरी जंग है, मेरी आखिरी लड़ाई है, मेरा आखिरी जिहाद है, मैं इसमें शहीद हो जाऊंगा, बचूंगा नहीं। इश्क का मंजर सामने आ गया, सवारी मेरी बड़ी तेज है, मैं अपने साथियों को जा मिलूंगा, जुमे का दिन है, आखिरी दिन है, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे आखिरी जुमा पढ़ता जाऊं, हुजूर का एक मर्तबा और दीदार करता जाऊं, अपने दिल की दुनिया को आबाद करता जाऊं, अपनी आंखों को इमाम अंबिया के दीदार से ठंडा करता जाऊं। वापिस मदीने में आ गया,
घर नहीं गया, बीवी बच्चों के पास नहीं गया, बाजार में नहीं, मार्केट में नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं किया, कुछ भी नहीं। लालच है तो सिर्फ ये कि मैं आका तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बनी नमाज जुमा आखिरी अदा करूं, हुजूर का दीदार करूं, हुजूर की ज्यारत करके फिर जा मिलूंगा। जुमे की नमाज के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को की नजर पड़ी, आपने हजरत अब्दुल्ला बिन रवा को देख लिया, फरमाया तुमको मैंने रुख्सत कर दिया था, तुम तो चले गए थे, वापस क्यों आए? अर्ज किया मेरे आका आपके फरमान से मैं समझ गया हूँ, मुझे पता चल गया मैं वापस नहीं आऊंगा, जिंदा घर लौटूंगा नहीं, मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरे दिल की दुनिया अंगड़ाई लेने लगी, मैं आपकी ज्यारत के लिए आ गया, दीदार के लिए आ गया, मैं अपना आखिरी जुमा पढ़ने के लिए आ गया, मैं अपने साथियों से अभी जा मिलूंगा, मेरी सवारी बड़ी तेज है। अब्दुल्लाह बिन रवा रजी अल्लाह तआला नु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुरख हो गया, और आपने फरमाया अब्दुल्लाह साथियों से जा मिलेगा? अर्ज किया हां मेरे आका, फरमाया जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे तू उनसे 500 साल बाद को जन्नत में जा सकेगा। साहबी हुजूर का है, गुलाम हुजूर का है, झंडा लेने वाला है, खुद हुजूर ने उसको रुख्सत फरमाया है, 500 साल बाद को जन्नत में क्यों जाएगा, क्या वजह? इसलिए कि जब मैंने तुम्हें रुख्सत कर दिया था, रवाना कर दिया था, चाहे तुम इश्क की नजर से आए, चाहे तुम मोहब्बत की निगाह से आए, चाहे तुम गुलामी की वजह से आए, तुमने मेरे हुक्म में ताखीर क्यों की? दुनिया का लालच कोई नहीं, यकीन जानो किताबें शाहिद है, घर तो गया ही नहीं, बीवी बच्चों के पास तो गया ही नहीं, मगर फरमाया मेरे रुख्सत करने के बाद मेरी ज्यारत को भी क्यों आया? मेरे हुक्म में खिलाफ वर्जी तो नहीं, ताखीर क्यों की? 500 साल बाद को जन्नत में जाएगा। और रिवायत में आता है कि जब अब्दुल्लाह इब्ने रवा शहीद हुए, जिब्रील अमीन ने इत्तला दी तो फरमाया कुतिला अब्दुल्लाह इब्ने रवा, और 5 सांस हुजूर ने लिए और फिर फरमाया दखल अल जन्ना। मुहद्दिसीन कहते हैं 500 सांसों से मुराद 500 साल हो गए। और लोगो 5 जरा सा घंटा 2 घंटा